कर रही है तुम छाट कर रही है प्याज की क्यों मंडी जाऊंगा यार अब मंडी यार हम भी गए थे मगर हमें तो कोई भाव नहीं मिली प्याज को यार कई रेट चल रही है अरे कहीं मत पूछो तो ना के बराबर ही गई प्याज तो आ जाए अरे यार तुम छाट के लेगा नहीं छाट के नहीं हम तो ऐसे भर के लेगा ऐसा कसाई छोटा बड़ा सब भर लिया से काली तो छाटना चाहिए नहीं यार फिर अपन अगर छाटो तो मेहनत तो ज्यादा लगे हमें अरे कई लगाओ और या करो वह करो कितो मेहनत आने लगे फिर हफ्ता भी है तुम्हारा भाव नहीं मिले तब कितो घाटो गयो घाटो तो गयो तो फिर अभी इतना तो ये छाटवा में लगे ही नहीं अच्छा हाँ और भाई आप छाया खेत में से अपन लिया खोद के एक जगह पटक लो एक जगह से ढेल लगा लो फिर ऐसे बेटे बेटे छाट छाट के मंडी ले जाओ ले जाओ छाट छाट और कहीं जिन क्वालिटी में बना हूँ हाँ जब भाव मिले वो सही यार हमारे तो पिट गए भाव तो आप और है कि नहीं और रहेगा थोड़ा बहुत और तो आप छाट के ले देख जो फिर रेट मिलो तुम्हें ये साइज तो अपन ने एक अलग कर ली अच्छा, ये बड़ी वाली अच्छा, और ये जो ये बिचली थी मीडियम की ये वाली साइज ये हम अलग कर ली और जो ये और भी जैसे ये रद्दी रह जाए ये छोटी वाली अच्छा अच्छा या हम पटक लो अलग तो भैया मान लो अपन ने कांदा छांट लिया तीन साइज में छांट लिया अगर एक में इनमें अगर पैसा नहीं मिले अपन ने और इनमें मतलब तो अपन तो और घाटो का तो ऐसे घाटो थोड़ी जा आप जैसे ये अपनी तीन क्वालिटी पे आ जाएगी अब ये क्वालिटी जाएगी मान लो दस में गई दस बारह पंद्रह तक भी जा सके सावत अगर माल है तो अच्छा, अच्छा। तो अब यह कितनी घटी यहाँ में से थोड़ी खिटी तो यह अभी जो सात आठ ये चल जाएगी सात आठ बिक जाए हाँ छह भी बिक जा अच्छा और अगर तुम सवराई मिला दोगा तो सारी आठ जाएगी सात आठ ही जाएगी सारी कम भाव में हाँ तो अपने हाँ घाटो नहीं रहेगा अपने अगर अलग अलग लगेंगे तो ये बिल्कुल फुल रेट में मिलेगी अपने और यह अगर यह आम मिली रहेगी तो आज बुरी लगेगी माँ देख भाव लगेगी फिर भाव हाँ भाव भी नहीं मिलेगा और ये अगर अपन ने कूटो कचरो ये सब भर ली हो तो ये आज बुरी दिखे माँ मंडी अब ये ना अपन ने ये सावत चाट मतलब ये प्याज हाँ एक एक दाना के बराबर हो गए मतलब हाँ साफ हो गई एक साइज की या एक साइज की या एक साइज की तो अलग अलग भाव मिलेगा ने तो अपन बहुत फायदा होगा यार और इसमें ये रहता है जैसे ये सबसे बड़ी साइज है ये होटले वाले खरीदते हैं ये मीडियम साइज की प्याज है ये घर की रस्ते में काम आती है घर के रसोई के लिए शादी ब्याह में रसोई के लिए और ये छोटी प्याज है जो ये ज्यादा दिन तक डटे इसलिए इसे छोटी को अगल करते हैं कुछ खाने खाने के काम आ जाए छोटी प्याज ये रखने काम आ जाती है अब एक बात और है जैसे आप व्यापारी ने खरीदी थारी कहीं भाव गई होगी सात छह सात रुपया गई होगी या और बल्कि पांच भी मौका व्यापारी और है जो खरीद ले तो बुरी बुरी करके और वे फिर क्वालिटी बना मजदूर लगा छटुआ के और फिर वे अच्छे मुनाफा कमा फिर हाँ अब इतना दिन से इतनी मेहनत कर रही है और अपन ने उसे ही बेच दिया है तो आज कोई फायदा भी नहीं जैसे थोड़ी मेहनत और करना पड़े फिर ज्यादा नहीं करना पड़े हाँ बस और यहाँ में टाइम नहीं लगे अपन हाँ यहाँ टाइम थोड़ी लगे ये जल्दी हो तो मतलब और कहीं मजदूर लगा घर का हाँ जैसे दस कट्टी रोज ले जाना हो तो आराम से बेचना है तो आप खुद ही छांट लो बैठे बैठे और नहीं तो व्यापारी तो अलग अलग छांटे वो खरीद अलग छांटे वो तो वो मुनाफा जो अपने मिल पाको वो ले ही ले क्यों भैया तो मैं तो मतलब ट्रैक्टर में उसे ही पटक के लिए गया यार सबरे भर के मर ही सीधे ही